तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ द 100 वुमेन्स का जो आज के दिन का एकमात्र मैच और टूर्नामेंट का 8वां मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल वुमेन्स वर्सेज वेल्स फायर वुमेन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट आपको देख लेना है और वीडियो का कोई भी पार्ट भाई आपको स्किप नहीं करना है। यहाँ पर भाई दोनों ही टीम्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि यहां पर हम किसी भी एक टीम को क्लियर फेवरेट नहीं बोल सकते और यहां पर भाई दोनों ही टीम्स का परफॉर्मेंस अभी इस टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं रहा है क्योंकि दोनों ही टीम्स ने एक एक मैच खेला और वो अपना हार के आ रहे हैं। बात करेंगे इस मैच की एक एक प्लेयर के बारे में, लेकिन अगर भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से भाई वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं, इनके जरिए ही हम मोटिवेट होता है आपके लिए लगातार मैचेज कवर करने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। दूसरी बात, चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी भाई। 9000 की फैमिली हमारी यूट्यूब फैमिली कंप्लीट होने वाली है तो कुछ ही टाइम बचा है भाई, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के यार मजा नहीं आता। और भाई सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी आगे आने वाले मैचेज के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की। तो पॉइंट्स टेबल में देखते हैं दोनों टीमें बिल्कुल नीचे लगी हुई है। दोनों टीमें मैचेस तो आर के आई है लेकिन बहुत ही बुरे तरीके से मैचेस आर के आई है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जो लंदन स्पिरिट की वुमेन है यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने 2 मैच आ रहे हुए फिर भी भाई इनसे ऊपर है। अब इनकी रन रेट देखो कितनी खराब है, आप खुद सोच सकते हो, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें मैचेज की तो यहाँ पर ऊपर चलते देखते भाई इनका मैचेज कौन सी टीम का किसके अगेंस्ट में हुआ है। तो सबसे पहले वेल्स फायर की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बर्मिंगम फियोनिक्स वुमेन से मैच आर के आ रहे हैं। पहले इनकी बैटिंग की बात कर लेते तो भाई टॉमी बेमेंट यहाँ पर इनकी कैप्टन है, 39 रन बनाए। हैली मैथ्यूज भाई ये एक बड़ी चीज़ रही यहाँ पर इस मैच में, हैली मैथ्यूज का परफॉर्मेंस काफ़ी लो रहा और यहाँ पर ये जल्दी आउट हो गई, 20 रन बनाए, 14 रन बनाए रिचल यांस ने। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करें तो इन्होंने भाई यहाँ पर 34 रन बनाए, फ्रांस विल्सन ने 20 रन बनाए, इसके अलावा नीचे किसी ने कुछ खास किया नहीं। वहीं अगर बात करें इनकी गेंदबाजी की तो क्लेरी निकोलस आपको गेंदबाजी करते दिखेंगे, इन्होंने भाई स्टार्टिंग में बॉलिंग की और यहाँ पर भाई 2 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा लॉरेन फिलर की बात करें तो आप देख सकते हो पूरे मतलब 20 बॉल इन्होंने डाले। आर्टली की बात करें तो 1 विकेट इन्होंने निकाला, एनाबेल सुदरलैंड ने 1 विकेट निकाला, नीचे कैटी जॉर्ज ने 1 विकेट निकाला। हैली मैथ्यूज यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा महंगी साबित हुई, 10 बॉल पर ही भाई इन्हें 26 रन पड़ गए और काफी ज्यादा महंगी साबित हुई थी। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर सामने वाली टीम की जो जिनके साथ इनका मैच है तो वो तो भाई और भी ज़्यादा बड़े मार्जिन से आर के आ रही है। यहाँ पर अगर बात करें मैनचेस्टर वुमेन्स की तो यहाँ पर ली की बात करें तो 17 रन बनाए, MLM 0 पर आउट, डेंड्रा डोटिन 0 पर आउट, एमी सदरवेट 9 रन बनाए। इसके अलावा कर्डले ग्रिफिथ की बात करें तो भाई इन्होंने यहाँ पर 12 रन बनाए, एमी कैम्पेल की बात करें तो 13 रन बनाए, सोफी इलेक्ट्रॉन कैट क्रॉस यहाँ पर भाई टीम इनकी अच्छी है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं दे पाई लास्ट मैच में। बॉलिंग की बात कर लेते तो यहाँ पर भाई डेंड्रा डोटिन जो हमारी VC थी भाई अच्छी परफॉर्मेंस दी, इन्होंने यहाँ पर 2 विकेट निकाले। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भाई 1 विकेट इन्होंने निकाला, MLM ने यहाँ पर 10 बॉल डाली हालांकि विकेटलेस गई, केट क्रॉस ने 1 विकेट निकाला, अन्ना जोन्स ने 1 विकेट निकाला, जोरी। इसके अलावा ग्रेस स्पोर्ट्स की बात करें तो 15 बॉल इन्होंने डाली और हालांकि यहाँ से ये भी विकेटलेस गई थी। अब यहाँ से देखिए तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे ग्रैंड लीग में कैप्टनसी की MLM सबसे अच्छी दावेदार रहेंगे, इसके अलावा लिजर्ट ली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसके अलावा MLM डेंड्रा डोटिन एमी सदरवेट 4 प्लेयर यहाँ से हो गए, नीचे भाई सॉरी सोफी इलेक्ट्रॉन ये 5 प्लेयर भाई आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा भाई आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो कैट क्रॉस को या फिर एमी कैम्पल को। अब अगर बात करें भाई सामने वाली टीम की तो यहाँ से भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्लेयर आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर यहाँ से रहने वाली है। टॉमी बेमेंट मस्ट पिक प्लेयर रहेगी, एली मैथ्यूज बेहतरीन पिक इवन कैप्टनसी की दावेदार, रिचल यांस डिफरेंशियल पिक रहेंगे, एनाबेल सुदरलैंड मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा फ्रांस विल्सन को आप ट्राई कर सकते हो। गेंदबाजी में अगर बात करें तो यहाँ पर भाई आप देखिए क्लेरी निकोलस को आप ट्राई कर सकते हो बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इस मैच में नहीं रहेंगी। लॉरेन फिलर को आप ट्राई कर सकते हो बट मैं इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलूंगा। आर्टले हमारे लिए मस्ट टॉपिक रहेगी, इसके अलावा एनाबेल सुदरलैंड हमारी टीम में रहेंगे और यहाँ से एली मैथ्यूज तो ये तो भाई रहेंगी रहेंगी। अब चलिए भाई बात करते हैं डेमो टीम की, लेकिन उससे पहले भाई जो प्रोबेबल बैटिंग ऑर्डर इनका रह सकता है इस मैच में वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर बात करें तो लिजली ली यहाँ पर ओपनिंग करने आएंगे, MLM के साथ वन डाउन आएंगे भाई डेंड्रा डोटिन जो आपको अच्छी खासी गेंदबाजी करती दिखेंगे
रहेंगी और आपके लिए कैप्टनसी वीसी की सबसे सेफ चॉइस में से रहेगी। एमी सदरवेट भी सीवीसी की अच्छी चॉइस रहेगी, ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कॉर्डेला ग्रिफिथ की बात करें तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ बॉलिंग भी आपको करके दे सकते हैं, हालांकि बॉलिंग का ज़्यादा उम्मीद इनसे नहीं कर सकते। एमी कैम्बेल को भी भाई बॉलिंग मिलने के चांसेस काफ़ी कम है और यहाँ पर भाई ट्राई कर सकते हो। जीएल मिनी जीएल में स्मॉल लीग में ड्रॉप कीजिएगा। सोफी लेक्सटन मस्ट पिक रहेगी। कैट क्रॉस को भी आप अपनी टीम में जरूर से रख सकते हो। इसके अलावा थर्कलैंड जीएल मिनी जीएल में भी एक आध टीम में ट्राई करना, अदरवाइज ड्रॉप भी करके चल सकते हो। एना जोन्स इंपॉर्टेंट प्लेयर ट्राई कीजिएगा। ग्रे स्पोर्ट्स को आप ड्रॉप करके चल सकते हो, जीएल मिनी जीएल के लिए छोड़ सकते हो। वहीं अगर बात करें यहाँ पर वेल्स फायर वुमेन्स की, तो यहाँ पर टॉमी बेमेंट ओपनिंग करती नजर आएंगे एली मैथ्यूज के साथ। एली मैथ्यूज अगेन कैप्टनसी की बहुत ही सेफ और बहुत ही खतरनाक चॉइस। रिचा लियांस आपके लिए ग्रैंड लीग में अच्छी पिक रहेंगी कैप्टनसी की, क्योंकि ये भाई आपको पता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कभी आपने इनको देखा होगा तो भाई फिनिशर का रोल प्ले करते थे, यानी कि तेज खेलना आता है और ये कभी भी भाई आपको 50-60-70 रन बनाकर मतलब दे सकते हैं, जो और भाई आपके लिए काफी बड़ी डिफरेंशियल सीवीसी हो जाएंगे ग्रैंड लीग में, ट्राई कीजिएगा। एनाबेल सुदरलैंड मस्ट पिक रहेंगे। फ्रान विल्सन को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कैटी जॉर्ज को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा। नीचे अगर बात करें तो भाई यहाँ पर सारा ब्रायस भाई दोनों विकेट कीपर काफी नीचे खेल रहे हैं, बट क्या करें एक को तो लेना ही पड़ेगा। लॉरेन फिलर को आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा एलेक्स हार्टले मस्ट पिक रहेगी। अब अगर यहाँ से भाई बात करें डेमो टीम की, तो वो भी मैं आपको बना के दूंगा, लेकिन उससे पहले भाई आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो विनिंग टेलीग्राम चैनल पर होती है ना, वो उसका रीजन यही होता है कि जो फाइनल टीम मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ना, उसी के बेसिस पर विनिंग होती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये भाई आज के मैचेस की विनिंग है, जो T10 मैच हमने खेला था उसमें भाई आप यहाँ पर देख सकते हो एक तरफा विनिंग हमने करवाई है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जरूर से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बिना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हुए विनिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से आपको ज्वाइन कर लेना है। अब यहाँ से अगर बात करें डेमो टीम की, तो वो मैं अभी आपको बना के दिखा देता हूँ, बाकी जो भी फाइनल टीम रहेगी उसकी अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। यहाँ से ईथ रकलैंड को मैं अपने विकेट कीपिंग सेक्शन की पिक में रख रहा हूँ, बट क्या ही कर सकते भाई, किसी को तो लेना पड़ेगा। यहाँ से टॉमी बेमेंट मस्ट पिक रहेगी। यहाँ पर एमी सैथरवेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लिजर्ट ली को हम ट्राई करेंगे। रिचल यांस को आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं ड्रॉप करके चल रहा हूँ, ठीक है। फाइनल टीम में हो सकता है मैं रख लूँ। एली मैथ्यूज डेंड्रा डोटिन दोनों मस्ट पिक रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्रेडिट इशू भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से भाई पर सेम ही क्रेडिट है रिचल यांस का। तो और यहाँ से एनाबेल सुदरलैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और एमा लैम को हम अपनी टीम में रखेंगे। अब यहाँ से क्या है कि एमा लैम को हमने ट्राई कर लिया तो फिर क्रेडिट इशू आएगा, लेकिन भाई ये ओपनिंग कर रही है प्लस 10 से 15 बॉल और या फिर पूरा 20 बॉल का स्पेल भी डाल सकती है, इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। बात करें बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ से आप देखिए केट क्रॉस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा बात करें तो ऐसे एलेक्स हार्टले और ऊपर से सोफी इलेक्स्टोन लिहा तो हु अगर खेलती है निकोला कैरी खेलते तो ये भाई आपके लिए बहुत ही अलग डिफरेंशियल पिक रहेंगे। इसके अलावा जो क्लैरी निकोलस इसको आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं ऐसी बिल्कुल भी अपनी टीम में नहीं रखने वाला, आप अगर चाहो तो रख सकते हो। वहीं अगर बात करें भाई एच एम एली जोन्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हो। सी वी सी की बात करेंगे तो कैप्टनसी जो मेरी जाएगी वो ऐसे भाई अभी के लिए जाएगी एली मैथ्यूज को। वी सी भाई यहाँ से मैं देने वाला हूँ डेंड्रा डोटिन को, बाकी फाइनल टीम में हो सकता है मैं सी वी सी रिवर्स भी कर दूँ, या फिर इनके अलावा जो सी वी सी की अच्छी चॉइस रहेंगी वो भाई एनाबेल सुदरलैंड रहेगी और ऊपर से भाई यहाँ से एमा लैम रहेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पर आप बॉलिंग में अगर आपको सी वी सी चाहिए तो भाई सोफी इलेक्ट्रॉनिक काफी अच्छी पिक है। यहां से अगर टीम की बात करें तो कुछ इस प्रकार की टीम हमारी रहने वाली है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसकी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लगातार जैकपॉट विनिंग वहां पर चलती रहती है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आया तो नीचे ऐसे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे भी जाकर प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।